हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सूजी का केक बना रहे हैं, जो कि केक बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ये घर पर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें इस चैनल को। केक बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम सूजी लिया, ये बारीक वाली सूजी है। 100 ग्राम चीनी, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी दही, बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, नमक, मीठा सोडा और ये थोड़ा सा रिफाइंड तेल है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में सूजी को डाल देंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं होती तो आप मिक्सी में डालकर इसको बारीक कर सकते हैं। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। हमारा दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, हमने फ्रेश दही लिया है। अब इसमें चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने मनपसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर कम मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी चीनी कम डाल लें। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये केक बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये अभी थोड़ा टाइट है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाएगी। आधा घंटा हो गया है, हमारी सूजी फूल गई है। अब ये थोड़ा बैटर टाइट है तो हम इसमें थोड़ा दूध मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल रही हूँ इसमें, आधा चम्मच, 1 पिंच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है केक। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 मिनट तक ऐसे ही फैटते रहेंगे हम इसको। इसमें 2 चम्मच हम रिफाइंड तेल के डाल देंगे। आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब तेल को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ये केक एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। हमने इस बैटर को 1 मिनट तक ऐसे ही फैट लिया है। अब इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब केक हम इस डिब्बे में बनाएंगे तो मैंने तेल से इसको ग्रीस कर लिया है। हमने बैटर को भी अच्छे से फैट लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम, आप और कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। हम ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि केक थोड़ा फूलता है, पकता है तो हम इसको आधा ही रखेंगे। अब इसको और भी अच्छा दिखने के लिए मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ ऊपर से। आप और कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब ये केक हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया गर्म होने के लिए। 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए कढ़ाई को रख दिया है मैंने। हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम केक के डिब्बे को इसमें रख देंगे। अब हम 25 से 30 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक कर पका लेंगे। बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। गैस को हमने केक को लगभग 30 मिनट पका लिया है। ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें चक्कू लगा कर देख लेंगे। चक्कू बिल्कुल क्लीन आ रहा है तो हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। अगर थोड़ा सा भी इसके लगता है तो आप 1-2 मिनट और पका लेंगे। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। ठंडा होने के बाद में हमने एक प्लेट पर निकाल लिया है उल्टा करके। अब हम इसको सीधा कर देंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा केक दिख रहा है। हमारा सूजी का केक खाने के लिए तैयार है। आप घर पर ज़रूर इसको बनाकर देखें, बच्चों के लिए बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।